हेलो गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नेशनल इनकम यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक जो कि है हमारा टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। लास्ट वीडियो में हमने वाले समझ लिया था कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता क्या है, तो वो था सर्कुलर फ्लो। अब ये क्या है, सर्कुलर फ्लो के टाइप्स हैं। तो सर्कुलर फ्लो जो है वो बेसिकली हमारे दो टाइप्स का होता है, एक होता है रियल फ्लो, दूसरा होता है मनी फ्लो। तो पहले देख लेते हैं रियल फ्लो क्या होता है। रियल फ्लो इट इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन फर्म्स एंड हाउस होल्ड। इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इट इज ऑल्सो नोन एज फिजिकल फ्लो। अब समझना ये क्या है, इट इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन हाउस होल्ड एंड फर्म्स। तो ये क्या है, जब हमने टू सेक्टर इकोनॉमी पढ़ा हुआ था उसमें हमारे दो सेक्टर्स होते थे। दो सेक्टर कौन कौन से थे, फर्म्स और हाउस होल्ड। तो हाउस होल्ड और फर्म्स के बीच में गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो, वो कहलाता है हमारा रियल फ्लो। अब रियल फ्लो के अंदर और क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो रियल फ्लो में क्या होगा, गुड्स एंड सर्विसेज का ही एक्सचेंज होता है। इन शॉर्ट इसको अगर हम समझ सकें तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि इसके अंदर क्या होता है, बार्टर सिस्टम। अब बार्टर सिस्टम अगर आपको पता होगा या याद भी होगा, अगर याद नहीं है तो समझ लीजिए, बार्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें कि हम सिर्फ और सिर्फ गुड्स को ही या गुड्स एंड सर्विसेज को ही एक्सचेंज करते हैं। मतलब एक सामान के बदले में दूसरा सामान ले लेना या फिर कोई भी सर्विस ले लेना। तो यहाँ पे मनी का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। सेकंड फ्लो है हमारा मनी फ्लो। ऑब्वियस ही बात है, आप माइंड में आ गया होगा कि अगर रियल फ्लो के अंदर मनी नहीं होता है तो मनी फ्लो के अंदर तो उसका नाम ही है, तो मनी फ्लो होगा। तो इट इज द फ्लो ऑफ मनी बिटवीन फर्म्स एंड हाउस होल्ड। अभी क्या है, फर्म्स एंड हाउस होल्ड के बीच में किसके किसका फ्लो हो रहा है, मनी का फ्लो है। इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ मनी। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सचेंज जो भी एक्सचेंज होगा वो सिर्फ और सिर्फ मनी के फॉर्म में होगा, वो गुड्स एंड सर्विसेज के फॉर्म में नहीं होगा। एंड इट इज आल्सो नोन एज नॉमिनल फ्लो। तो इनको याद रखने का सबसे आसान सा तरीका है कि जिसमें भी मनी का इन्वॉल्वमेंट अगर है, मींस जो भी ट्रांसफर हो रहा है, जो भी एक्सचेंज हो रहे हैं, वो अगर मनी फॉर्म में हो रहे हैं, मॉनिटरी ट्रांजेक्शन अगर हो रहे हैं, तो क्या कहलाएंगे, वो मनी फ्लो। और जिसके अंदर मनी का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है वो क्या कहलाएगा, रियल फ्लो। तो ये हो गए हमारे दोनों टाइप्स के फ्लो, जिसको हम लोग बोलते हैं रियल फ्लो और मनी फ्लो। जब आप इसको और आगे डीप में थोड़ा सा पढ़ेंगे तो इसके अंदर एक आ जाता है हमारा इंटरसेक्टोरल फ्लो, जो यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया, वो जनरली आपको वन वही बता देता हूँ। इंटरसेक्टोरल फ्लो का मतलब होता है जितने भी सेक्टर्स हैं वो आपस में एक दूसरे के ऊपर कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि सेक्टर्स क्या क्या होते हैं हमारे, एक था फर्म्स, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो क्या फर्म्स अकेले सारा काम कर सकते हैं, ये जाके सर्विस भी अगर देने लगेंगे तो सर्विस किसको देंगे, तो वो डिपेंड किसके ऊपर करते हैं, सॉरी फर्म जो है वो प्रोडक्शन अगर करने लगे तो प्रोडक्शन करने के लिए उनको लोगों का रिक्वायरमेंट है, किसके लिए करेंगे प्रोडक्शन, फॉर द हाउस होल्ड। और हाउस होल्ड वाले यहाँ पे क्या देंगे, सर्विसेज देंगे, उसके रिटर्न में ये देखिए फैक्टर पेमेंट। तो दोनों के दोनों सेक्टर्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। सिमिलरली गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को अगर टैक्सेस हाउस होल्ड नहीं देगा तो गवर्नमेंट उनको रिटर्न में कोई भी स्कीम्स जो है, जो भी बेनिफिट्स है, वो बेनिफिट्स कहाँ से देगी। तो क्या है, दोनों के सारे सेक्टर्स जो है ना वो आपस में डिपेंडेंट रहते हैं, that is known as intersectoral flow। तो ये तो हो गए थे हमारे types of circular flow। Next topic है हमारा stock और flow। अब ये क्यों आया यहाँ पे, इसलिए आया है कि हम flow flow पढ़ रहे हैं। Means हमने circular flow पे money income पढ़ लिया, then circular flow भी पढ़ लिया। तो अभी हमें ये clarify करना है कि stock क्या होता है और flow क्या होता है। तो start करते हैं with the stock के साथ। Stock हम उस चीज को बोलते हैं जब अगर किसी भी चीज को मेजर कर रहे हैं, लाइक दिस व्हिच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एक हम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मेजर कर रहे हैं तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे, स्टॉक। सिमिलरली उसी पर्टिकुलर टाइम पे अगर हम फ्लो की बात करें, फ्लो क्या होगा, व्हिच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक ड्यूरेशन गिवन होगा, अगर विदाउट एनी काइंड ऑफ ड्यूरेशन अगर नहीं है तो वो क्या होगा, स्टॉक। और अगर ड्यूरेशन गिवन है तो क्या होगा, फ्लो। सेकंड एग्जांपल स्टॉक में, इट डज नॉट हैव टाइम डायमेंशन। तो स्टॉक जो है वो टाइम डायमेंशन बेस्ड नहीं होता, मींस इसमें टाइम का कोई भी ड्यूरेशन गिवन नहीं होगा। फ्लो जो होगा, इट हैज टाइम डायमेंशन। टाइम डायमेंशन क्यों है, क्योंकि इट इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो इस वजह से होगा। थर्ड पॉइंट पे थोड़ी देर में आते हैं, पहले इनके हिसाब से, इनकी जो एग्जाम्पल्स हैं इनके हिसाब से समझ लेते हैं। तो पहला जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है मैंने, वेल्थ। तो वेल्थ क्या होता है, वेल्थ का मतलब होता है पूंजी या कैपिटल जो कि हम लोग बोलते हैं। तो अगर किसी के पास कोई पूंजी अगर मेजर करनी है तो वो कैसे मेजर करेंगे, ये पूंजी कि हमारे पास बचपन से लेके अभी तक कितनी थी, नहीं अभी कितनी पूंजी है। तो वेल्थ क्या है, दिस इज स्टॉक। नेक्स्ट इनकम,
अगर किसी ने पूछा कि इनकम क्या है, स्टॉक है फ्लो है, तो इनकम अगर हम मेजर करेंगे, कैसे मेजर करते हैं, उसकी मंथली इनकम होगी, ईयरली इनकम होगी, है ना, तो ड्यूरेशन आ गया ना, तो जैसे टाइम डायमेंशन है या फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम है, तो ये क्या हो गया हमारा फ्लो। ऐसे ही 100 रुपी नोट, 100 रुपी नोट ये क्या है, अभी 100 रुपी नोट आपको लगेगा यार ये पता नहीं कैसा एग्जाम्पल है, बट ये एग्जाम्पल ऐसे ही बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो 100 रुपी नोट क्या है, ये हमारा स्टॉक ही होता है, क्यों, क्योंकि ये चेंज नहीं होता, इट इज अ स्टैटिक कंसेप्ट, इसीलिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। तो दिस इज व्हाट स्टॉक। नंबर ऑफ बर्थ, अगर पूछा गया कि नंबर ऑफ बर्थ, तो अगर नंबर ऑफ बर्थ पूछा गया है तो ये स्टॉक होगा या फ्लो होगा, ये फ्लो है। क्यों है, नंबर ऑफ बर्थ जब भी पूछा गया होगा तो ऑब्वियसली बात है कहीं ना कहीं ड्यूरेशन पूछा गया, एक महीने में कितने नंबर ऑफ बर्थ है, नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग 2021 टू 2022, है ना, इस तरीके का रेशियो गिवन होगा, तो रेशियोस गिवन है मींस इनके ड्यूरेशन गिवन होगा, तो नंबर ऑफ बर्थ फ्लो हो गया। मनी सप्लाई, मनी सप्लाई को थोड़ी सी देखते हैं, पॉपुलेशन देखते हैं, पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, अब पॉपुलेशन की पूछी है तो हम क्या पूछेंगे, पॉपुलेशन कितनी है, तो हम क्या बताएंगे, आज की बताएंगे, प्रेजेंट टाइम पे ना, ड्यूरेशन तो नहीं गिवन, तो ये क्या हो गया हमारा स्टॉक। अब आते हैं मनी सप्लाई के ऊपर, मनी सप्लाई क्या होगा, मैक्सिमम लोगों के आंसर जिन्होंने ये टॉपिक्स नहीं पढ़े होते हैं उनका ये आंसर गलत आएगा। मनी सप्लाई को जनरली वो क्या मान के बोलते हैं, फ्लो। देखो मनी सप्लाई क्या होता है, हमारा स्टॉक होता है, इसका रिलेशन कहाँ से आता है, जो हमने 2 सेक्टर 3 सेक्टर और 4 सेक्टर इकोनॉमी वाले जो पढ़े हैं, तो हमने क्या देखा था, हाउस होल्ड और फर्म्स, ये 2 सेक्टर्स थे, 2 ही सेक्टर को लेकर बात करेंगे, हाउस होल्ड और फर्म्स को लेकर। हाउस होल्ड ने यहाँ पे सर्विसेज दी थी, उनके बदले में फर्म्स ने क्या दिया था, फैक्टर पेमेंट। तो फैक्टर पेमेंट में सपोज मान लीजिए 100 रुपए जो है ना वो यहाँ पे आ गए थे, इन्होंने कंजप्शन एक्सपेंडिचर के तौर पर 100 रुपए यहाँ पे पेमेंट कर दिया था, तो सप्लाई कितनी थी, 100 रुपीज की थी। क्या सप्लाई चेंज हुई, नहीं चेंज नहीं हुई, तो ये क्या है, स्टैटिक कंसेप्ट है। तो ये क्या हो गया, मनी सप्लाई क्या है, स्टॉक। अब इसका फ्लो क्या होगा, फ्लो होगा चेंज इन मनी सप्लाई। मनी सप्लाई में चेंज कितना होगा, अब चेंज की बात होगी तो कभी ना कभी एक पर्टिकुलर पॉइंट गिवन होगा कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में चेंज हुआ, तो ये क्या हो जाएगा हमारा फ्लो। देन लास्ट 2 और एग्जांपल इसको डिस्कस कर लेते हैं, तो वो काफी अच्छे से और इजीली आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक कंसेप्ट गिवन होता है और कई बार आपसे पूछा भी जाता है, इवन बोर्ड में पूछा गया है, डिस्टेंस बिटवीन मुंबई एंड पुणे, है ना, ये क्या है, अब ये कैसा है, एग्जांपल पूछा गया, डिस्टेंस बिटवीन मुंबई एंड पुणे, तो ये क्या होगा हमारा, ये है स्टॉक। क्यों है स्टॉक, क्योंकि जो भी डिस्टेंस होगा मुंबई और पुणे के बीच में वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, वो उतना ही रहेगा, वो चेंज नहीं होने वाला, तो ये क्या है, स्टॉक। अनदर एग्जांपल, कार ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर, ये क्या होगा, कार ट्रेवल कर रही है एट ए स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर, ये क्या होगा हमारा, ये स्टॉक नहीं हो सकता, ये फ्लो होगा। रीजन क्या है, कार ट्रेवल कर रही है एट ए स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर, अभी जो 100 गिवन है इससे क्या होता, कई बार लोग इसको स्टॉक बना देते हैं, क्यों, क्योंकि बोले स्टैटिक कंसेप्ट में आ जाएगा, बोले 100 गिवन जाता था, तो भाई कार अगर होगी तो डायरेक्टली तो 100 पे नहीं पहुंचेगी ना, कभी 0 से तो स्टार्ट होगी और डायरेक्टली 100 ही चलते रहेंगे क्या सारे रास्ते में, तो पता नहीं आप कितने लोगों को उड़ा देंगे, तो ये है ड्यूरेशन होगा, तो ये क्या होगा हमारा, दिस इज फ्लो। अब बोर्ड में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, बोर्ड में डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा, इसी क्वेश्चन को एक ही सिंगल फॉर्म में कर देंगे, कार ट्रेवलिंग फ्रॉम मुंबई टू एंड मुंबई टू पुणे एट ए स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर, तो इसका क्वेश्चन आपको, आज का आंसर कैसे करना है आपको, जब पहला पॉइंट पूछा गया होगा कार ट्रेवलिंग फ्रॉम मुंबई टू पुणे, ये क्या हो गया, स्टॉक एट ए स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर, तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर फर्स्ट का हो गया ए, ए का हो गया हमारा स्टॉक और बी का हो गया हमारा फ्लो, तो ऑप्शन गिवन होगा स्टॉक एंड फ्लो, तो ये होगा आपका पर्टिकुलर आंसर। दिस इज फॉर टुडे, थैंक यू।